हेलो प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीडू। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक पोएम पढ़ाया था जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। तो बच्चों, हमने उस पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन किया था और साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताया था। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो देख लिए होंगे और आपको पोएम समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको वर्किंग विद द पोएम, मतलब जो पोएम के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं उसके आंसर कराएंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने बुक पे पेज नंबर 23 खोल लीजिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन है और उसके आंसर हम कराने चल रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से एंड व्हाई। तो बच्चों, इसका मतलब है कि पोएम में जब क्रिकेट बोलता है ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अरे अब मेरा क्या होगा, तो उसने ये कब कहा और क्यों कहा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बच्चों, आप नोट डाउन करिए या फिर इसको समझ लीजिए, द विंटर हैज सेट इन, ही हैज़ नथिंग टू ईट। सर्दी आ चुकी थी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ही कांट फाइंड इवन अ क्रम्ब ऑन स्नो कवर्ड ग्राउंड, यहाँ तक कि उसके पास एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। ही वरीड एंड स्टार्व्ड एट दैट टाइम ही से सो, उसको चिंता होने लगी और वो भूखों मरने लगा, इस समय वो ऐसा बोला कि अब मेरा क्या होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम एज नाइदर अ बरोवर नॉर अ लेंडर बी शेक्सपियर। तो बच्चों, यहाँ पर ये लाइन शेक्सपियर द्वारा बोली गई है कि ना तो कभी उधार लेते हैं ना तो कभी उधार देते हैं। तो आपको पोयम में वही लाइन ढूंढनी है जो जिसका मतलब यही सेम है। तो चलिए, हमने पोयम पढ़ा है तो हम जानते हैं कि ये लाइन कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर देखिए, द फॉलोइंग लाइन हैव द सेम मीनिंग बट वी आंट्स नेवर बरो वी आंट्स नेवर लेंड। तो बच्चों, जो पोयम में ये वाली लाइन है बट वी आंट्स नेवर बरो वी आंट्स नेवर लेंड, ये सेम मीनिंग देती हैं नाइदर अ बरोवर नॉर अ लेंडर बी। तो बच्चों, इसका आंसर यही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल, जो चींटी का सिद्धांत था उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपना ख्याल लिखना है। खैर, यहाँ पर मैं आंसर के तौर पर आपको एक आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने से भी कर सकते हैं। एक हिंट के तौर पर मैं ये आंसर आपको बता रहा हूँ, द आंट्स प्रिंसिपल आर अप्रोप्रिएट, जो आंट का प्रिंसिपल था वो सही था, अप्रोप्रिएट था, उचित था। एज अ प्रिंसिपल इट डिजर्व्ड अप्लॉड बट वी शुड नॉट सो हार्ड एज लेट द अदर डाई ऑफ स्टारवेशन, हाउ ओवर वन शुड मेक वन रियलाइज वंस मिस्टेक। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल जो था चींटी का वो सही था, लेकिन हमें इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए कि कोई भूखा मर रहा हो और उसकी मदद ना करे। लेकिन बात यह भी है कि अगर जो लापरवाह इंसान है, जो जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, तो उसको एक सीख भी लेनी चाहिए कि वह गलती कर रहा है। इसके लिए हमें उसे सीख देने के तौर पे हमें उसके साथ जो आंट वाला, जो चींटी वाला प्रिंसिपल है वो अपनाना चाहिए कि ना ही उसे उधार देना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन थे तब तो वो मौज मस्ती काट रहा था। तो इस तरीके से उसे एक सीख देने के लिए आंट का जो प्रिंसिपल है वो सही है। तो बच्चों, इसका आंसर आप अपने से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई। तो बच्चों, आपने पोएम में देखा कि जो आंट थी उसने क्रिकेट, उसने झिंगुर से कहा डांस द विंटर अवे, अब जाओ तुम पूरी सर्दी डांस करो। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, क्या आपको लगता है कि जो वर्ड डांस है ये यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, वो उचित होगा, अगर ऐसा है तो क्यों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट एज इट सूट्स टू द केयरलेसनेस ऑफ द क्रिकेट। तो बच्चों, यहाँ पर जो डांस वर्ड है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि झिंगुर ने कहा कि मैं जब महीना अच्छा था, जब महीना गर्म था, चारों तरफ सुहावना मौसम था, तब तो मैंने खूब गाना गाया। तो आंट ने कहा कि तब तो तुम गाना गाए, कुछ अपने लिए खाने के लिए बचा के नहीं रखे, तो अब तुम जाओ सर्दियों में डांस करो। तो यहाँ पर जो डांस वर्ड है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। केयरलेसनेस मतलब
केयरलेसनेस को देखकर, जो क्रिकेट का केयरलेसनेस है उसको देखकर ये जो डांस वर्ड है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। तो कौन सी लाइन है जो पोएम में जो पोएट के कमेंट को एक्सप्रेस करती है, रीड देम अलाउड, उसको आपको तेज़ी से पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वो लाइन पढ़ रहा हूँ, फॉक्स कॉल दिस फेवल, आई विल वारंट इट थ्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स एंड सम हैव 2। तो बच्चों यही वो लाइन है जहाँ पर जो पोएट का कमेंट है वो एक्सप्रेस होता है, तो इसको आपको तेज़ी से पढ़ना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर, राइट द कमेंट इन योर वर्ड्स। तो बच्चों इसको तो आपको अपने से ही करना है, फिर भी मैं हिंट के तौर पे आपको एक आंसर बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाई अ टू लेग्ड क्रिकेट द पोएट सटायर्स ऑन द पर्सन हु आर इनएक्टिव। टू लेग्ड क्रिकेट के तौर पर यहाँ पर पोएम ने उनके ऊपर निशाना साधा है जो लोग इनएक्टिव होते हैं, जो केयरलेस होते हैं, जिनको काम करने से मतलब नहीं होता। दे डोंट वर्क एंड सफ़र टुमारो, जो आज मेहनत नहीं करते हैं लेकिन बाद में फिर उनको सफ़र करना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है। दोज हु लिव टुडे एंड सेव फॉर टुमारो डू सक्सीड इन लाइफ, जो आज काम करते हैं और कल के लिए बचा कर रखते हैं वही ज़िंदगी में सफल होते हैं। ऑलवेज सेव समथिंग फॉर रेनी डेज टू कम, ये कहना चाहते हैं कि बुरे दिन के लिए भी कुछ चीज़ें आपको बचा कर रखनी चाहिए। तो बच्चों यही हमारे ये पोएम की सीख है कि जब मौसम अच्छा हो, मतलब जब आपके दिन अच्छे हों, तब आपको ये सोच के रखना चाहिए कि दिन बुरे भी आ सकते हैं, तो हमें बुरे दिन के लिए भी कुछ ना कुछ काम करके रखना चाहिए ताकि जब अच्छे दिन बीत जाएँ, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दिन बुरे हों, तब आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आपकी जो जीविका है, आपका जो जीवन है वो सही से चले। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर आपको क्लास 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीड्यू का पूरा फ्रॉम चैप्टर 1 to लास्ट चैप्टर सारा कुछ आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, कम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन के आंसर सारा कुछ आपको मिलेगा। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेसन में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ हैप्पी डे।